दोस्तों, आज एक मेरा पेपर है विधाननगर में, तो पेपर कैसा होगा और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कैसे जाना होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सियालदा से नेक्स्ट स्टेशन ये विधाननगर, तो अगर आप सियालदा रूट से आ रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेशन ये आपको विधाननगर पड़ेगा, वहाँ पर आप उतर सकते हैं। अपना भी लोकल ट्रेन आ चुका है तो इसी ट्रेन में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर आगे चल करके। यहाँ से दोस्तों मैं निकला था लोकल ट्रेन से, अब देख सकते हैं यहाँ निकलते हैं, यहाँ पर ऑटोज खड़े हैं जाने के लिए सेंटर में। तो चलिए एक ऑटो लेते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं आगे। दोस्तों, जो विधाननगर से ऑटो मिलता है शेयर ऑटो, वो आपको 30 रुपीज़ में सेंटर के पास पहुँचा देगा। चलिए अब मैं आपको टाइम लैप्स में पूरा जर्नी दिखाता हूँ, स्टेशन से सेंटर तक का सफ़र। और उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लेवल, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए, साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी प्रिंट आउट करवा लीजिए। दूसरे नंबर में आता है वैलिड ID प्रूफ, आपके पास कोई सा भी वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, इनमें से कोई सा भी आप रख लीजिए। अगर आप दो रख लेते हैं तो बढ़िया होता है, क्योंकि कभी कभी वेरिफिकेशन के टाइम में कुछ अगर मिस्टेक है आपके आधार कार्ड में, तो आप पैन कार्ड दिखा सकते हैं या फिर आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं, इसलिए दो वैलिड ID प्रूफ अपने पास ज़रूर रखें। बैंक एग्ज़ाम में दोस्तों आपको आधार कार्ड का प्रिंट आउट या फिर पैन कार्ड का प्रिंट आउट वो भी चाहिए होता है, इसलिए एक बार आप अपना एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो लगा है वैसा सेम टू सेम आपके पास 3-4 एक्स्ट्रा फोटोज़ होने चाहिए। स्टेशनरी का आइटम आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक पेन, बहुत सारे एग्ज़ाम में ब्लैक पेन से आपको फिल करना पड़ता है एंटर करने के बाद भी, तो आपके पास पेन्स होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आप और क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आप चश्मा ले जाना मत भूलिएगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू एंड योर कॉन्फिडेंस, अपने पे भरोसा रखिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, अगर आप उतने भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो कुछ भी लिखिए जो आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो। नर्वसनेस नहीं होना है, नर्वसनेस से आप चीज़ों को और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। कोशिश करें कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हमेशा पहले पहुँचें, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम कब ट्रैफिक में फंस जाएं और हम सेंटर में समय पर नहीं पहुँच पाएँ। अब दोस्तों, इसी फ्लाईओवर के नीचे से, मेट्रो के नीचे से हमें जाना है सेंटर की तरफ। सेंटर वाला लोकेशन भी दोस्तों यहीं पर है, तो आप देख सकते हैं ये है रोड, और आगे चल करके आपको मैं दिखाता हूँ। और इधर पे आप देख सकते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं WBTC सॉल्ट लेक डिपो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है। और थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, 10:30 बजे एंट्री है। अब आपको बिल्डिंग भी दिख गई होगी वहाँ पर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारे स्टॉल्स, छोटे छोटे दुकान्स हैं।
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. यही गेट नंबर 1 से हमारी एंट्री होने वाली है और ये है बिल्डिंग. इस बिल्डिंग में जाना है. सबसे पहले तो बेसमेंट में ही जाएंगे, बैग जमा करेंगे. उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके स्ट्रेट मनी कंचन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. यहाँ पर लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि बैग कहाँ पर जमा कराना है, तो मैं आपको बता देता हूँ. एक तो TCS की जो बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में बैग जमा होता है. 30-40 रुपीज़ में आप अपना बैग बाहर भी जमा करा सकते हैं, पर ये आपकी चॉइस है कि आपको बैग अंदर रखना है सेफ्टी के अंदर, या फिर आपको अपना बैग बाहर किसी रैंडम इंसान को देना है. लाइन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एक करके लोग एंटर कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके. अगर आपके पास टाइम है तो आप शेडो में ही बैठिए और जब ये लाइन सब अंदर चले जाए तो आप भी एंट्री कर लीजिए. बिल्डिंग के अंदर एंट्री भी हो चुकी है. आगे से यू टर्न करके हम बेसमेंट में पहुँच जाएंगे. ये है बेसमेंट और इसी के अंदर हम अपना बैग रख सकते हैं और बैग के अंदर आप मोबाइल भी रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है और सिक्योरिटी भी रहती है और साथ ही साथ बाहर कैमरेज भी लगे होते हैं, तो यहाँ पर आपकी चीज़ें सेफ़ रहेगी. सिक्योरिटी गार्ड आपको बता देगा कि आपको बैग किस लाइन में रखना है. बैग रखने से पहले याद रखिएगा वहाँ पर दीवार में एक नंबर भी लिखा रहता है, उस नंबर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे बैग होंगे, तो आपको याद रहेगा कि आपको किस लाइन में आपने बैग रखा था और आप आसानी से अपना बैग ले लेंगे. और हाँ, घर से कुछ भी सोना चांदी अपने वैल्यूएबल्स आइटम को लेकर ना आए, फ्री माइंड से एग्ज़ाम देने आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. TCS की जो मैनेजमेंट होती है बहुत ही स्मूथली तरीके से पेपर करवाती है, तो बिल्डिंग के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सही रहेगा. अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर आप भी इस सेंटर में एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने आ रहे हैं. और सियालदा से आप डायरेक्ट मेट्रो से भी आ सकते हैं. मेट्रो से आप डायरेक्ट सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आएंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे. वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जिसका भी एग्ज़ाम आने वाला है इसी सेंटर पर उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें. मेरे चैनल में कई सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.